15 नवंबर से इंडोनेशिया की राजधानी बाली में शुरू हो रही G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन के पुराने करीबी सहयोगी और रूस के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सर्गेई मार्कोव ने दावा किया है कि बाली में विदेशी खुफिया एजेंसियों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मर्डर का प्लान तैयार किया था। सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए ही पुतिन की यात्रा कैंसिल की गई है। पुतिन की यात्रा रद्द होने के बाद अब यूक्रेन पर रूस के हमलों के नए वीडियो सामने आए हैं। माना जा रहा है कि पुतिन इस साजिश का बड़ा बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे आखिरकार पुतिन का बदला कितना खतरनाक होगा, लेकिन पहले देखिए पुतिन के मर्डर के प्लान पर किया गया है कौन सा बड़ा दावा। इंडोनेशिया के बाली में पुतिन आए, दुनिया के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी, यूक्रेन वॉर का हल निकल जाएगा, ये सारे अनुमान धरे के धरे रहे। अब यूक्रेन वॉर जोन में और बड़े धमाके होने वाले हैं। और यूक्रेन पर आने वाली इस महाविपत्ति का सीधा कनेक्शन व्लादिमीर पुतिन की बाली यात्रा पर ब्रेक से जुड़ रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिरकार G20 की मीटिंग में जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमने सामने आने की बात कही जा रही थी, आखिरकार पुतिन वहां क्यों नहीं जा रहा। कभी पुतिन के करीबी रहे और रूस के राजनीतिक विश्लेषक सर्गेई मार्कोव का दावा और उसके आधार पर पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक बाली में पुतिन के मर्डर का प्लान बनाया जा रहा था। बाली में विदेशी खुफिया एजेंसियां पुतिन की हत्या करवा सकती थी। अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों की तरफ से पुतिन के मर्डर की साजिश की आशंका जाहिर की गई है और पुतिन पर इस खतरे को देखते हुए दौरे को रद्द कर दिया। सर्गेई मार्कोव के मुताबिक बाली में राष्ट्रपति पुतिन का अपमान करने और पश्चिमी मीडिया में ये खबरें प्रमुखता से छापने की आशंका भी थी और इन्हीं सारी आशंकाओं की वजह से पुतिन की बाली यात्रा पर ब्रेक लगने की बात कही जा रही है। अब पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 की मीटिंग में हिस्सा लेने बाली जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है अगर बाली में सब कुछ ठीक होता तो पुतिन बाली जरूर जाते। पुतिन का पुराना बयान सुनकर आप भी ये समझ सकते हैं। И спокойно перехватывает те направления, виды деятельности, те предприятия, значит, которые освобождаются теми нашими партнерами, которые приняли решение выходить из России. Легко. लेकिन अब पुतिन बाली नहीं जा रहे और सर्गेई मार्कोव के खुलासे ने यह भी तय कर दिया है कि नाराज पुतिन कोई बड़ा धमाका जरूर करेंगे, लेकिन विदेश में पुतिन पर हमले का खतरा कितना बड़ा हो सकता था, इस पर आप विशेषज्ञों की राय भी सुनिए। पुतिन ये नहीं चाहते कि वो वहां जाए मीटिंग्स में और किसी मीटिंग को वो एड्रेस कर रहे हो वॉकआउट हो जाए, वो कमरा खाली हो जाए, कुछ कंट्रीज के हेड्स उस कमरे में आए ही ना, एक तरह से पुतिन का बॉयकॉट हो जिसका बहुत बड़ा चांस है। तो पुतिन वो एम्बैरेसमेंट से बचना चाहते हैं बाय नॉट गोइंग टू बाली। इस वक्त दुनिया में एक तरफ पुतिन है और दूसरी ओर अमेरिका, नेटो और उनके सहयोगी देश जो यूक्रेन को आर्थिक और सामरिक मदद देकर रूस के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। प्रतिबंधों की बारिश भी की जा रही है, लेकिन पुतिन किसी के रोके नहीं रुक रहे, तो क्या इसीलिए पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए ये प्लान बनाया गया। वैसे पुतिन के मर्डर की कहानियां इससे पहले भी बुनी गई। इससे पहले मॉस्को में भी पुतिन के काफिले पर बम से हमले की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इस हमले में पुतिन बाल बाल बच गए। पुतिन की हत्या के इससे पहले कई प्लान भी सामने आ चुके हैं। बताया गया कि पुतिन अपने बॉडीगार्ड्स के निशाने पर है। पुतिन को क्रेमलिन में खाने में जहर दिया जा सकता है।
इसके अलावा पुतिन के विरोधी रूस में तख्ता पलट करके पुतिन की हत्या कर सकते हैं। पुतिन को सबसे बड़ा खतरा यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की ओर से जताया जा रहा था। इसके अलावा देश के बाहर भी पुतिन पर जानलेवा हमले की आशंका जाहिर की जा रही थी, लेकिन पुतिन की अभेद्य सुरक्षा की वजह से पिछले दो दशकों में कोई भी प्लान सफल नहीं हो पाया। चांस कम है कि इस तरह का कोई सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो पुतिन की लाइफ के ऊपर फिलहाल के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है पुतिन के अराउंड। पर हां, यह भी बात है, खबर है कम से कम कि कुछ समय पहले मॉस्को के अंदर ही पुतिन की कार का कोई फ्रंट टायर पंचर हो गया था या कुछ हुआ था। फिलहाल पुतिन और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा नाम की एजेंसी के पास है। ये रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी FSO को रिपोर्ट करती है, जिसका गठन KGB से हुआ था। KGB खुद उच्च रूसी अधिकारियों को सुरक्षा देने का काम करती है। काले सूट पहने, कानों में ईयरफोन लगाए ये गार्ड्स परछाई की तरह दिन रात पुतिन के साथ रहते हैं और इनकी सुरक्षा घेरे को भेदना बहुत मुश्किल है। लेकिन रूस के बाहर सब कुछ रूसी एजेंसियों के हाथ में नहीं रहता, यानी रूस के बाहर पुतिन के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा सकती है। इंडोनेशिया भी किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए चाहता था कि पुतिन बाली न आए। फिलहाल पुतिन का बाली दौरा कैंसिल हो चुका है और अब इसके लिए जिम्मेदार देशों को इसका खामियाजा भी चुकाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ZMedia। दरअसल ये आशंका जताई जाती है कि रूस के दुश्मन ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन को खत्म कर दिया जाए और इसके बाद ही रूस यूक्रेन पर हमला बंद कर सकता है, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर के साजिशों की थियरीज आती रहती है। और यही वजह है कि G20 समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं जा रहे हैं और उनके खिलाफ बड़ी साजिश करने का आरोप रूसी एजेंसियां और सरकार ये लगाती रहती है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए पूरी दुनिया में साजिशों का ताना बाना बुनते रहते हैं। तो पुतिन अब बाली नहीं जा रहे हैं, अब यूक्रेन से लेकर रूस के पड़ोस तक धमाके हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के कई मोर्चों पर जंग छिड़ी है। इसमें खेरसोन का वो इलाका भी है जहां पर रूस की सेना पीछे हटी है। पुतिन के बाद बाइडेन भी पीछे नहीं है। एक ऐसे इलाके में अमेरिका ने मिसाइल लॉन्च की है जो रूस के करीब है। तो क्या बाइडेन ने यूक्रेन के लिए युद्ध में पेट्रोल डाल दिया है? पुतिन का डायरेक्ट ऑर्डर, रूसी सेना का धमाका भयंकर। पुतिन G20 की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं और उसकी खींच निकालने के लिए यूक्रेन पर अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर जोन से आई पहली पिक्चर का डर कीव तक पहुंच गया है। तस्वीर में जो तोप दिख रही है उससे यूक्रेन की सेना रशिया पर अटैक कर रही है। तभी आसमान में रशिया का सुसाइड ड्रोन पहुंच गया। टारगेट तय होते ही ड्रोन ने यूक्रेन की तोप से टकराकर धमाका कर दिया। ऊंचाई पर मौजूद दूसरे ड्रोन ने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। दावा है कि रशिया ने यूक्रेन के दनिप्रो इलाके में सुसाइड ड्रोन से बड़ा अटैक किया है। कुछ ड्रोन्स को यूक्रेन की मिसाइलों ने मार गिराया, पर बाकियों ने टारगेट पर अचूक हमला किया। यूक्रेन युद्ध में रशियन होविट्जर तोपें लगातार अटैक कर रही हैं। रशिया की A87 होविट्जर गन के गोले 24 किलोमीटर दूर तक धमाका कर रहे हैं। यूक्रेन के खेरसोन से रशिया की सेना पीछे हटी है, पर बॉर्डर पर धमाकों में कोई कमी नहीं आई है। रूस यूक्रेन युद्ध में ये वो मोर्चा है जहां पर यूक्रेन और रूस के सैनिक आमने सामने हैं। दोनों के बीच सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी है। जवाब यूक्रेन की तरफ से भी आ रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि अब एक एक मीटर जमीन वापस लेने के लिए अटैक शुरू है और कई इलाकों में यूक्रेन की आर्मी 7 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुकी है। मेड इन अमेरिका जेवलिन मिसाइलों को लॉन्च करके यूक्रेन ने रूस के लिए खतरा बढ़ा दिया है। यानी युद्ध खत्म होने के बदले अब और भयंकर होता दिख रहा है, और इसकी वजह है अमेरिका का बड़ा फैसला। अमेरिका ने यूक्रेन को 3200 करोड़ रुपए के हथियार और मिलिट्री उपकरण देने का फैसला लिया है।
अगस्त 2021 के बाद से यूक्रेन को 25वीं बार मदद भेजी जा रही है। इस पैकेज में मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, तोप और मोर्टार के गोले सहित ग्रेनेड लॉन्चर्स भी हैं। यूक्रेन के लिए दक्षिण कोरिया से 1,00,000 तोप के गोले भी खरीदे जाएंगे और इन हथियारों की मदद से यूक्रेन के वॉर जोन में बड़ा धमाका होने वाला है। एक और पिक्चर आर्कटिक से आई है जिसमें अमेरिका का एक ट्रांसपोर्ट विमान एक क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर रहा है। पुतिन के पड़ोस में हुआ यह धमाका कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसे समझिए। पूरी तरह से पैक की गई मिसाइल को एक ट्रांसपोर्ट विमान से गिराया जाता है। हवा में पैराशूट खुलता है जो मिसाइल के पैकेज की रफ्तार धीमी करता है और फिर उसमें से क्रूज मिसाइलें लॉन्च होती हैं जो 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। इस टेस्ट का मतलब समझिए, अब अमेरिका के ट्रांसपोर्ट प्लेन भी किसी फाइटर जेट या बमवर्षक विमान की तरह अटैक कर पाएंगे। किसी फाइटर या बॉम्बर में 1-2 मिसाइलों की जगह होती है, पर बड़े विमान दर्जनों मिसाइलें एक साथ ले जा सकते हैं और दुश्मन के कई ठिकानों पर एक साथ अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ने आर्कटिक में यह मिसाइल लॉन्च की है जिसे रूस अपना पड़ोसी इलाका मानता है, यानी यूक्रेन के बाद एक और मोर्चा खुल गया है। जवाब देते हुए रशिया ने भी अपनी सरमत 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने का फैसला किया है। 14 मंजिला ऊंची इस मिसाइल की रेंज में दुनिया के सारे देश हैं और पश्चिमी देश इस हथियार को शैतान के नाम से बुलाते हैं। रूस का दावा है कि इस साल के अंत तक यह हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हो जाएगी और अमेरिका की कोई मिसाइल इसे रास्ते में नहीं रोक पाएगी। रूस भी अब सरमत 2 जिसको सैटन 2 भी कहते हैं, उसका परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। और ये क्या मैसेजिंग है पूरे दुनिया के लिए, ये सरमत जो लिक्विड फ्यूल ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये सुपर हेवी है, सुपर हेवी, और इसकी ऑपरेशनल रेंज है 18,000 किलोमीटर। यानी दोनों सुपर पावर ने जंग के लिए एक और मोर्चा खोल दिया है। अगर यूक्रेन की जंग खत्म भी हो जाए तो धरती को खत्म करने की एक और तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।